और ये चार क्वालिटी कैसा है? कॉटन है ना, पॉलिस्टर नहीं है, कॉटन। अच्छा कॉटन है। लिखा है क्या कुछ? नंबर वन। यहीं पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है आसपास में, तो उधर हर एक जगह से आवाजें आ रही है और मैंने देखे भी है बहुत सारे गणपति पापा जाते हुए अपने बिल्डिंग में। तो उधर पे चाय पीने के लिए मेरे को भी बोल रहे थे, पर मैं तो चाय बन के हूँ, सिर्फ संडे संडे पीता हूँ। तो अभी ये देखो दोनों दिन बनाऊ, देखते हैं शाम में। अभी फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए टेंडली है, टिंडा टेंडली जो मैंने सुबह में बनाया था, टेंडली दाल और राइस, तो वही खाएंगे, दाल चावल भी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है चौके मस्ती भरी दुनिया में। सो दोस्तों मॉर्निंग हो चुका है, 7 बज गए हैं। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि मैं सो गया था रात में जैसी, और मैं हम लोग बातें करते 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 11 बज गया सोते सोते, तो इसके लिए लेट हो गया दोस्तों। और अभी इधर पे देखो एक दोस्त आया मेरा खाना बनाने के लिए, ये देखो मस्त है ना मेरा फ्रेंड। हाय फ्रेंड, इधर बनना है टेंडली का भाजी। टेंडली ना, टेंडली क्या होता है? परवर? नहीं, दो टाइप का आता है वो, परवर अलग होता है, ये टेंडली है। ये हम लोग के गांव के ना, गांव में ना बाहर जो पीछे साइड बागीचा है ना, उधर पे यही लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेंडली। और वो हम लोग का बाथरूम है, उसके ऊपर पूरा लगा हुआ था सर, ये फैलता है लौकी वोकी जैसा रहता ना, फैल के एकदम लगता है दोस्तों। तो मेरे गाँव में ऐसा घर पे लगा था, और आपको बाहर का व्यू देते है देखो मॉर्निंग का। हेलो दोस्तों, इधर देखो सब खिले 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 हैं, गुलाब तो अभी तक आया नहीं दोस्तों, गुलाब भी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो अभी देखते हैं आज हमारा मॉर्निंग कैसा जाता है, मतलब मॉर्निंग नहीं, आज हमारा दिन कैसा जाता है। मेरे को वीडियोस भी बनाना है, मैं सोचा था बाल कटाने के लिए, बट मैं नहीं कटाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे के टाइम पे ऐसा कटाऊंगा। तो चलो दोस्तों अभी देखते हैं हमारा आज का मंथ का ट्यूसडे कैसा जाता है। और ये मंथ का पहला ट्यूसडे है, नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी मेरे को, तो मैं सोचा वापस सो जाऊं एक घंटा, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो मैं नहा आके एकदम फ्रेश हो चुका हूं, और अभी बज गए हैं 8 o'clock हो गया है, और चर्ची ने जो टेंडली का भाजी बनाया ना दोस्तों, एकदम टेस्टी और यम्मी, और ब्लैक कॉफी भी था है मतलब। और जो टेंडली का भाजी है ना दोस्तों, एकदम ऐसा लग रहा है ना गांव में हूँ मैं, और गांव में मम्मी ना ऐसे चूल्हे पे बना के ना फटाफट दी है मेरे को गरम गरम खाने के लिए, मस्त ऐसा लग रहा है एकदम मम्मी के जैसा टेस्ट बनाया आज जॉयसी ने, मज़ा आ गया। टेंडली का भाजी गांव में ज़्यादा ये चलता है, टेंडली परवर भिंडी। पीनट उसमें डाला नहीं, उसमें डाला। तो अभी नाश्ता करते हैं दोस्तों, और कॉफ़ी भी आज हम लोग सोचे थे वीडियोज़ बनाने के लिए, बट हमारे पास कॉन्टेंट हम लोग ने किया नहीं है, मतलब ढूंढा भी नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाएं, तो हम लोग कल बनाएंगे, आज ढूंढ लेंगे अच्छे अच्छे कंटेंट भी कल बनाएंगे। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, और जॉयसी के साथ थोड़ा गपशप करते हैं, बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको। वो दोस्तों मैं ग्रैंड रोड पहुँच गया था, और ये देखो आशीष अंकल और उनके दोस्त जा रहे हैं, अभी ये लोग दोनों जाएंगे उधर पे चाय पीने के लिए। मेरे को भी बोल रहे थे, पर मैं तो चाय बन के हूँ, सिर्फ संडे संडे पीता हूँ। तो अभी ये देखो दोनों जन जा रहे हैं, चाय पियेंगे, और ये लोग, ये मैं पूछा क्यों रुके, ये बोला आशीष अंकल ये है ये साइड वाले, तो मैं बोला क्या हो गया, मतलब रुक गए, तो मैं बोला क्या हो गया, तो बोले अरे मेरा पार्टनर आ रहा है, इनका ये पार्टनर है चाय पार्टनर। तो अभी जाएंगे लोग चाय पियेंगे, और फिर आप लोग को व्यू देते हैं देखो। चलो चलते हैं ऑफिस, और देखते हैं आज का हमारा ट्यूसडे घिसू डे कैसा जाता है, तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस लंच टाइम हो गया है, देख लीजिए 2 बज चुके हैं, जूम करके भी बताती हूँ, देखो 2 बज रहे हैं लंच टाइम के, दिन के 2 बज रहे हैं, आई मीन दोपहर के 2 बज रहे हैं। एंड अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए चिकन सीख कबाब। तो मैंने जेप्टो में, मेरे को है ना 80 रुपीज़ फ्री वॉलेट कैश मिला था, तो उसके थ्रू मैंने मंगाया है। एंड ये रहा टाटा संपन्न का है चिकन सीख कबाब, तो ये फ्राई करूँगी मैं हमारे और अज्जू के लिए शाम में। एंड और भी देखो क्या बनाती हूँ मैं,
सोच रही हूँ अभी फिलहाल वेज बनाऊँ चिकन बनाऊँ। आई एम वेरी कंफ्यूज, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मिक्स वेजिटेबल बनाऊँ शाम के लिए या फिर क्या बनाऊँ, देखते हैं शाम में। अभी फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए टेंडली है, टिंडा टेंडली जो मैंने सुबह में बनाया था, टेंडली दाल और राइस, तो वही खाएंगे। दाल चावल भी निकाल के रखूँगी अभी टॉपर अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर होने के लिए, उसको गर्म करूँगी एंड खाना वाना खाएंगे। फिर उसके बाद वापस से काम करना है क्योंकि है ट्यूजडे एंड काम का लोड है बहुत ही ज़्यादा, सो ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते हैं। लंच करते हैं अभी एंड आधा एक घंटे का लंच ब्रेक है मेरा, फटाफट से लंच करते हैं, फिर बैठते वापस से काम करने और फिर आपसे मिलते हैं हम बाद में आफ्टर ऑफिस आवर्स मिलेंगे। एंड हाँ, एक और चीज़, ये रहा अज्जू का लुंगी ये अमेजोन से आ गया गाइस, ये पैक ऑफ 5 था 600 रुपये में जो हम लोग को मिला, मतलब उसके लिए और अब्बा के लिए है वो लुंगी, तो वो बाद में शाम में देखेंगे। और आज तो मैं शाम में नीचे भी जाने वाली हूँ, अज्जू मुझे राउंड दिलाने वाला है। अरे बाप, लफड़ा झाले बाबा, लफड़ा झाले, लफड़ा हो गया गली में दोस्तों, बाप रे झपड़े झाले, बाप रे अभी सब मारेंगे मुझे, बाप रे पागल है, इसको चुपचाप चले जाना चाहिए ना, बहल है क्या बोलने का लोग, बाप रे बाप, झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है बाप रे। हो चुकी है एंड बज रहे हैं 7, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 5 मिनट बचे हैं, ये आगे है 5 मिनट्स बचे हैं गाइस 7 बजने के लिए। और मेरा आज का जो काम है खाना बनाने का वो एकदम ही नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मैं भिंडी चिकन बना रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने भिंडी निकाले हैं, मतलब 2 जन है तो उसके हिसाब से ये 7-8 भिंडी बस है, 2 बटाटा बोल रही हूँ, 2 कांदा, टमाटर 1.5, गार्लिक जिंजर पेस्ट, इसके अंदर है चिकन, मैंने उसको पानी में डाल के रखी हूँ, मतलब मैं 15-20 मिनट हो चुका है क्योंकि मैंने डिफ्रोज कर दिया था फ्रिज में, तो ऑलमोस्ट निकल गया था, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए मैंने उसको गर्म पानी में डाल के रखा है और थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाला है उसमें, क्योंकि बोलते हैं गर्म पानी से जो है ना वो जल्दी से वो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, आइस उसका छूट जाता है, और वो देखा है मैंने रील पे देखा है, तो मैंने रियल में भी ट्राई किया तो वो होता है। एंड यहाँ पे तारक मेहता का आइस चालू है मेरा, तारक मेहता देखते देखते काम करने का। एंड अभी मेरे को खाना वगैरह बनाना है और उसके ऊपर से मेरे को फिर बाहर के जो कपड़े हैं वो निकाल के अंदर डालने हैं और अंदर के कपड़े बाहर डालने हैं, वो भी एक काम है। पानी मुझे भरना है, मतलब 2 बॉटल का पानी है उसमें, गैलन में 2 बॉटल का पानी है, वो मुझे फिल करना है ताकि आयास जो है उसको फ़ोन करके बोल देगा तो वो नया वाला पानी का बॉटल लेके आ जाएगा। एंड ऊपर से और क्या काम है मुझे, हाँ ये वो सब खाना बनाना है। हाँ, और मैं ये बोल रही कि आज का खाना एकदम ईजी है क्योंकि दाल है और चावल है एंड चिकन सीख कबाब है एंड चिकन स्टेक्स फ्राई है, तो आज का मेरा डिनर और अज्जू का डिनर यही है। बाकी जो भिंडी चिकन वगैरह है वो एक साइड डिश हो जाएगा, मतलब बनाऊंगी थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी और थोड़ा बहुत चिकन जो है उसको फ्राई करके मैरिनेट करके रख दूंगी मैं, ताकि वो कल मेरे लिए ईजी हो जाए कल का टिफिन बनाने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए अज्जू के लिए और मेरे लिए, तो वो एक है। और अज्जू के जो है लूंगी, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को कि आ गया है, तो मैंने हल्के से ओपन करके देख लिया है, तो गाइज ये देखो ये क्वालिटी, मैं ओपन अभी करूँगी नहीं, अभी ये बाहर से ही देखो, दिखने में तो अच्छी दिख रही है क्वालिटी, 600 रुपये का है गाइज, ऐसा ही तो रहेगा नहीं, बहुत महंगे मिलते लूँगी, तो अब्बा के है और अज्जू के है, तो अज्जू जब आएगा तभी वो उसको ओपन करेगा और देखेगा सब बराबर से, और उसके बाद फिर वो उसके लिए उसको कौन सा चाहिए वो अपने लिए रखेगा, बाकी अब्बा को दे देगा। तो अभी चलो फटाफट से खाना वगैरह बनाते हैं एंड फिर देखते हैं आगे और क्या करते हैं, बाकी का घर गृहस्थी मैं आज क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। खाना बना के हो गया गाइज, और मैं जस्ट ना के आई हूँ, फ्रेशन अप हो गए और सब घर के काम हो चुके हैं, जो कपड़े बाहर थे मैंने अंदर फैला दिए हैं, तो ऐसे चेयर पे हम लोग फैला देते ताकि जो है थोड़ा सा फैन का हवा लगे। और टाइम भी देखो गाइज 8:30 होने आया, बट अभी अभी तक घर नहीं पहुँचे क्योंकि अभी वो स्टेशन पे है, मिरारो स्टेशन पे, वहाँ से अभी तक निकल भी गया होगा, मतलब क्योंकि मैं नहाने गई थी तो वो फ़ोन किया नहीं मुझे, तो अभी अपने घर के रास्ते पर होगा वो अज्जू हाउस 1, ये अज्जू हाउस 2 है, तो यहाँ के लिए जब निकलेगा तो फ़ोन आता ही होगा उसका। एंड बाकी के कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए हूँ गाइस, एंड खाना मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ, एंड चिकन भिंडी और जो मैंने अभी तक ओपन किया ही नहीं है, जब से बना है तब से कुकर में ही है वो, तो अपन ओपन करते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओपन हो चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टन टन टन, वाओ अच्छा बना है। उस दिन मैंने भिंडी चिकन सूखा बनाया था, आज मैंने भिंडी चिकन सालन बनाया है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम लजीज। तो थोड़ा चलाते हैं एंड इसे टेस्ट करूंगी अभी, एंड थोड़ा देर अभी तक बंद ही करके रखेंगे, उसका जो स्मोकी है वो अंदर ही रहे। एंड मैंने बनाया है वो छोटू वाला चावल
एंड चिकन फ्राई होने वाला है एंड मैंने कट करके रखा है, देखो पम्पकिन थोड़ा पम्पकिन अपना पपाया कट करके रखा है, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाला है एंड थोड़ा सा चिकन स्टेक्स है अज्जू के लिए एंड ये मैं फ्राई करने वाली हूँ, तो इसको भी निकाल के बाहर रखते हैं। चिकन सीख कबाब वो होने वाला है फ्राई आज के खाने में, चिकन भी बाहर निकाल के ही रखती हूँ ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो वो हो जाने के बाद फिर करेंगे उनको फ्राई। जब अज्जू ये घर के लिए निकलेगा तो तभी हम लोग उसको फ्राई करने स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब अज्जू आएगा तो वो गरम गरम खाएगा खाना। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अज्जू का एंड बाहर का नज़ारा देखो, रात का एकदम नॉर्मल है, शांत है, मतलब पब्लिक है, इतना भी हलचल नहीं है। अभी कब से तो आवाज़ें आ रही थी और ये देखो मोगरा, मैं इसको कितना कंप्लेन कर रही थी कि तू कब उगेगी कब उगेगी, और ये उग चुका है और बार बार वहाँ से फ्लैशलाइट आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डेल्टा में चालू है गणपति पप्पा का डेकोरेशन का सेटअप, तो इसके वजह से हम लोग बार बार लाइट चेक कर रहे हैं। एंड आज सुबह से भी नहीं, इवनिंग मतलब मिड इवनिंग 4 बजे से अब तक थोड़ा भी थोड़ा आवाज़ नहीं आ रहा है, 4 बजे से सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया यही चल रहा है, क्योंकि सब हर एक बिल्डिंग में गणपति बप्पा प्रधावना क्या बोलते हैं हाँ हर एक बिल्डिंग में गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से सब लोग गणपति बप्पा मोरिया की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं आसपास में, तो उधर हर एक जगह से आवाज़ें आ रही है और मैंने देखे भी है बहुत सारे गणपति पप्पा जाते हुए अपने बिल्डिंग में। तो अभी चलो अभी अज्जू को फ़ोन करते हैं, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक शायद वो यहाँ के लिए निकल ही रहा होगा, तो उसके बेसिस पे मुझे खाना उसका मतलब जो है चिकन वगैरह जो है अज्जू का मेन जिम उसका फ्राई करना है। तो चलो अज्जू को फ़ोन करते हैं एंड उसने मुझे पूछा भी कि लुंगी आया क्या, तो मैंने बोला कि नहीं लुंगी तो अभी तक आई नहीं है, तो मैंने उसको बोला ही नहीं कि लुंगी आ गया, वहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो आएगा तो एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि वो खुद बोल रहा था कि मुझे लुंगी पहनना है कब पहनने मिलेगा, और पूछा भी तो मैंने बोला कि नहीं आया अभी आएगा तो बिल्कुल दिखा दे। लुंगी दिखाने का टाइम हो चुका है अज्जू को, अरे लुंगी है और कुछ क्या, बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल रहा कुछ तुमको। सो दोस्तों हमचा लुंगी आलू क्वालिटी देखो जरा खोल के, क्योंकि इसमें रिव्यूज नहीं थे ना, ऐसा लग रहा है रुमाल है, रुमाल इतना छोटा बांध, मेरे को ऐसा मत दिखा भाई, अरे मैं इसको दिखा रही हूँ और तुम्हारा के मुंह दिखा रही हूँ, खोलो खोलो, नंगा पंगा करके रखे मेरे को। इसमें 4 है ना, 2 अब्बा के नहीं 4 है, हाँ एक तुम्हारा 2 अब्बा के 3 अब्बा के 4 है, की कितना है 6 है क्या, नहीं रे 4 ही है, वो ऐसा फोल्ड किया, हाँ 1 2 3 सुमन टेक्स ब्रांड, और ये 4 क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कॉटन है ना, पॉलिस्टर नहीं है, कॉटन का, अच्छा कॉटन है, लिखा है क्या कुछ, नो प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट न्यू जनरेशन स्टाइल हैंडलूम लुंगी फुल लेंथ चेन्नई से ब्रांड, सिला हुआ है कि सिलाना पड़ेगा इसको, देखो जरा सिलाना पड़ेगा, रेडी है, अच्छा नहीं रेडी नहीं, सिलाना पड़ेगा, तो मतलब तुमको आज पहनने नहीं मिलेगा, नहीं कल पहनना पड़ेगा, तो सिलाने के लिए वही तुम्हारा दोस्त सकीना सिल देंगे, अरे हाँ ये लेके जाओ ना, तो लुंगी देख के अज्जू हो गया खुश, तो चलो गाइस अभी लेट हो गया है तो फटाफट से अज्जू जाएगा नहाएगा, तब तक मैं खाना परोसती हूँ फिर खाना खाते, गाइस खाना खा के हो गया था एकदम अच्छा लाइट खाना, मजा आ गया खाना खा के एंड ब्रश वश भी कर लिया है, पानी आज रात में आया नहीं है, वहाँ पे अज्जू देख रहे खाते रहो के खिलाड़ा वहाँ पे देख रहे स्पीकर यहाँ पे ऊपर है, वहाँ पे सब लुंगी रखे है, वो कल जाएंगे अज्जू के घर। तो चलो गाइस इसी के साथ हम लोग ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना, चुप रहो तो बेल आइकन भी हिट करने मत भूलना, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड प्लीज सपोर्ट करो और आज भी ये ब्लॉग में देखा ना आप लोग ने कैसा झगड़ा हुआ दोपहर में, आज भी झगड़ा हुआ, वो भी हम लोग के इधर अभी ऑफिस की लाइन में ना अभी 10 दिन रोज झगड़ा कुछ ना कुछ होएगा बाइक पार्किंग की वजह से, अच्छा गणपति बैठे हैं ना वहाँ पे, उधर पे एक पागल है वो, मतलब थोड़ा कम दिमाग है उसका, तो वो चल जाता है तो ए, तेरी माँ के उसको देखोगे ना भाई, उसको दिखाऊंगा किसी दिन आप लोग से मिलाऊंगा उसको, अभी अज्जू देख रहा है कचरे की खिलाड़ी, थोड़ा ही टाइम है आप लोग को सोने के लिए,
और देखो अभी 5 मिनट पहले आगे है ये, तो 10 बज के अभी 10 होने वाला है। मेरे को ऐसा कर देखना पड़ता, मेरे को नहीं आता है। चलो गाइस, उसको ध्यान में लेना, जो 1 है वो 5 है, मालूम है 5 का टेबल है वो, मेरे को मालूम है, उतना नॉलेज है मेरे को। तो चलो गाइस, व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय अज्जू, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। गुड नाइट।